हेलो जी, राधे राधे। आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फ्रेंड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हो। तो मेरा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। पूजा कर रही हूँ मैं अभी, नहा धोकर। बस आज हस्बैंड के लिए पहले लंच बना दिया है क्योंकि उन्हें जल्दी जाना था। बस बच्चों के लिए भी, बच्चों का पेपर चल रहा है, बच्चों के लिए भी लंच बना दिया था। तो बस मैं उसके बाद आई हूँ नहा के। मैंने कहा चलो पूजा कर लेती हूँ। अब इतनी देर पीछे मुझे टाइम मिला है पूजा करने का, लेकिन पूजा बगैर मेरा कुछ नहीं होता। मैं खाना भी नहीं खाती, चाय भी नहीं पीती उससे पहले। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ पूजा। पहले एक दो एक व्यायाम करूँगी, फिर उसके बाद माला करूँगी। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बहुत अच्छी मतलब हेल्दी पौष्टिक रेसिपी है जो कि बच्चों को नहीं पसंद आती है, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ पालक। इस तरीके से बनाने वाली हूँ कि बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आ जाएगी। तो देखिए, पालक अभी मैं बाद में कट करके, पहले मैंने रख दिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से कट करना है। तो पहले मेरी यहाँ पर चल रही है पूजा। फ्रेंड, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखा करिए। आज का तो मेरा बहुत छोटा सा ब्लॉग है, आप लोग वो भी। तो बस देखिए फ्रेंड, तभी मैं वॉइस ओवर करती हूँ, मेरी बिटिया रानी आ जाती है, पूछती है दीदी कहाँ पे। उसकी छोटी बड़ी बहन चले गई नीचे, अभी लेके आई थी बस उनको मैं स्कूल से। तो यहाँ पे बस अपना आगे दिखाती हूँ, आगे से ब्लॉग दिखाती हूँ आपको। आज मैंने ज़्यादा सूट नहीं किया है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम, तो जल्दी जाना था मेरे हस्बैंड को ड्यूटी और बच्चों को भी जाना था, तो इसलिए सुबह का सूट नहीं किया आज मैंने वीडियो। उसी दिन का मैं सूट करती हूँ, उसी दिन का मैं यहाँ पर ब्लॉग देती हूँ आपको। ये सोमवार का मंडे का ब्लॉग है आपको, इसलिए मैंने मंडे का वीडियो शूट किया था, थोड़ा सा ही किया था मैंने, ज़्यादा नहीं किया था। चलिए फ्रेंड, बने रहिए आगे ब्लॉग में, आपको दिखाती हूँ दाल पालक कैसे बनाते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दाल ली है एक कटोरी, और एक कटोरी को दाल को ना मैंने पहले भिगो के रख दिया था 2 घंटे पहले ही। पालक को अच्छे से धुलकर कुकर में रख दिया है। अब मैं इनको ढक्कन लगा के इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, 1 गिलास पानी डालना है बस। तो वहाँ पर मेरा दाल और पालक अच्छे से पक गया था, तो मैंने लिया कढ़ाई में तेल, जीरा, यहाँ पर डाल दूँगी मैं हरी मिर्ची। इसमें ना ज़रूरी खास ध्यान रखना, आपको लहसुन डालना है, लेकिन मेरे पास नहीं था, आपके पास हो जरूर डालिए लहसुन। हरी सब्ज़ी में क्या होता है, इसमें ना हींग जीरा भी चाहिए, तो हींग ज़रूरी है, मैंने यहाँ पे डाली है, 1 पेज हींग डाल दिया है। इसके बाद डाल दूँगी मैं प्याज। देखिए, जो हमारी हरी मिर्च थी वो अच्छे से भुन गई थी, उसके बाद डाल दिया है प्याज। इसको भी अच्छे से भुनने दूँगी, गोल्डन सुनहरा होने तक इसको भुनना है। और अच्छे से यहाँ पे चला दूँगी मैं करछली से, और इसमें डालूँगी मसाले। देखिए मसाले अभी मैं बताती हूँ क्या क्या डालना है। इसमें डाल दूँगी मैं यहाँ पे हल्दी, क्योंकि हल्दी को बाद में डाल दें तो कच्चापन रह जाता है हल्दी में, हल्दी को पहले डाल देना चाहिए। यहाँ पे डाल दूँगी धनिया पाउडर। अब डाल दूँगी मैं थोड़ी सी लाल मिर्च और टमाटर। देखिए टमाटर डाल देती हूँ, यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि इनको पकना भी टाइम लगता है, क्योंकि इनके जो छिलके हैं टमाटर के वो बहुत ज़्यादा बेकार आ रहे हैं, वो जल्दी से पकते नहीं हैं, घुलते नहीं हैं। तो बस यहाँ पर डाल दूँगी नमक, टमाटर हमारा अच्छे से जल्दी से पकेगा उसके लिए डालते हैं हम नमक यहाँ पे। तो मैंने डाल दिया कढ़ाई में नमक। अब इसे भी मिला दूँगी अच्छे से, अच्छे से सभी मसालों को मिला के। इसमें पानी नहीं करूँगी क्योंकि दाल और पालक में मैंने मीडियम साइज़ का ही पानी करा था, ज़्यादा हमें पानी नहीं करना था उसमें। दाल और पालक में, पालक से पानी निकलता है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जो पालक और दाल थी मेरी कितनी अच्छी घुली हुई थी, अब मिल गई थी, आपको दिखा रही हूँ। इसमें कोई आलन नहीं देना होता है पालक में। तो बस देखिए यहाँ पे अच्छे से मिला दें, अच्छे से मिला देंगे सभी मसालों को। यहाँ पे बनेगी दाल पालक की सब्ज़ी। आप इसको चावल के साथ खा सकते हो, रोटियों के साथ खा सकते हो, ये ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी फ्रेंड लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए ये वाली रेसिपी को। तो इस वीडियो को यहीं एंड कर दूँगी, कल मिलूँगी नई वीडियो में। अच्छा लगा तो रेसिपी लाइक शेयर कमेंट कर देना फ्रेंड। तो बाय बाय, कल मिलूँगी।